तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स से आज हम आए हैं रवेना, इटली का एक शहर है जहाँ पे जू है। तो इस जू में कम से कम 1000 जानवर हैं, देखने लायक है। ये जो सफारी है इसको बोलते हैं रवेना सफारी। तो विंसी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, विंसी डर लग रहा है अभी से, बोल रही है डर लग रहा है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं और हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस है, तो चलो शेयर करते हैं आपके साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से सफारी शुरू हो जाता है। भाई प्लेटफार्म जैसा है। तो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन में बैठ के मजा नहीं आएगा, बहुत सारे लोग होंगे। ये ट्रेन है जिसमें बैठ के आप जा सकते हैं, लेकिन हम तो फिलहाल गाड़ी लेके जाएंगे। यहाँ पे टिकट मिलती है, चलो टिकट ले लेते हैं। una bambina otto mesi una cinque anni e aria pedonale che significa il banco è due, uno è safari con auto e uno a piedi. Grazie, buona giornata. तो अब हम इंटर हो रहे हैं फाइनली सफारी। हिरण सबसे पहले है, ये सारे हिरण ही है ना। वो नीलगाय है ये ना। एलेशिया देख रही है तू? मजा आ रहा है। कितने जिराफ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 की जिराफ। वो देखो गेंडा, गेंडा भाई पानी के अंदर पड़ा है। ये इतनी बड़ी बड़ी बकरी टाइप क्या है, है? मंजू पता है तेरे को क्या नाम है? जीरा भाई चाओ। इतना लंबा नियम फॉलो। ये देखो सारस। विंसी तुम्हारा फेवरेट जानवर आया है, हॉर्स। अब हम इंटर कर रहे हैं जो लोइन है और हाथी है उनके एरिए में। तो इसके लिए अलग से सिक्योरिटी लगी हुई है। तो यहाँ से डेंजर एरिया शुरू हो जाता है। वहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि डेंजर वाइल्ड एनिमल्स। तो गेट खुल गया है क्योंकि मेरे हिसाब से उतने ही साधन को अंदर जाने देते हैं जितना जाना चाहिए ताकि डिस्टर्ब ना हो एनिमल्स। बोल रहे शेर है ना? अरे बोल रहे डर, देख ही जाना गिन। तो तुम देख ही नहीं रही हो भालू। हम से छाया में बैठी है, हलचल हलचल नहीं कर रही कुछ। एक उधर वो बैठा देखो, धूप पड़ रही है तो आराम से शांति से बैठा है। वो आमलेट शेरों को देखते देखते भूख लग गई है इनसी, और इनसी मम्मी ने शुरू कर दिया चिप्स। अब हम इंटर हो रहे हैं टाइगर देखने के लिए। ये थे लोइन या। तो अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं टाइगर। तो कहाँ बैठा है उसका? ये ज्यादा खतरनाक होती है उनसे ना। रोक क्यों रहा है इसको? टाइगर दिखाओ, टाइगर दिखाओ। ये देखो टाइगर, 2, 3, एक ये नीचे सो रहा है इस पत्थर के पीछे। अरे ये रहा 3, 4, 5 टाइगर है। कुछ खिला रहे हैं ना ये जीरा आपको, क्या खिला रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है आप देख रहे हैं, इसमें जो लोग बैठे हैं। हम ये लेकर आना चाहते थे लेकिन हमें मिली नहीं क्योंकि सारी बुक हो गई थी पहले ही। मुझसे तो हटके दूर चला गया। इधर चित्र देखो, ऊंट के भी है, ऊंट भी हो गया अंदर, पक्के होंगे ऊंट। तो हम राजस्थान से हैं तो गर्मी रखते गर्मी रखते हैं। तो ये सारी चीजें टीवी में देखी थी कभी,
आज लाइव देख रहे हैं। हट जा भाई, भाई थोड़ी है। तो क्या जेब्रा है? भाई नहीं है। अरे वो उधर भी जेब्रा ऊपर। के इटली के जो ऊंट है वो देखो आप, हमारे ऊंट से बिल्कुल अलग है। इसके थुई दो हैं, जो इसको थुई बोलते हैं राजस्थान में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इसके देखो दो हैं। एक बीच में बैठे ना जी। हाय, ऊपर दे शक्कर पारा सागे। ये आ गया। हाय हाय, देखो कितना अलग है ऊंट। इनसी को खाएगा। तो यहाँ पर मीटिंग चल रही है इनकी, सारे लोग इकट्ठे हुए। मजाक कर रहा हूँ। कितने कितने जानवर एक जगह। सीन देखो कितने बड़े बड़े गाय के, और ये ऊंटों की टोली देखो अलग टाइप को है। कि अलग टाइप का ऊंट देखो, अलग टाइप आधा आधा दो ऊपर ला कौन भी आधा है आधा कौन देखो वो बट खड़े पिंक दो है। और अब देखेंगे हाथी वो रहे आगे। सांड है। ओह एलेशिया कैसे देख रही है, क्या देख रही है तू? के अंडे कितने बड़े बड़े हैं। तो ये वो जो गायें टाइप थी ना, इसका नाम है बिसोनिते अमेरिकानो। भाई हम सारे जानवरों के नाम तो नहीं जानते हैं, इसको जानते हैं हाथी। अब की बार देखो सारे सारे बच्चों ने बोला है हाथी, हमारे चल रहे हैं। ये रहा देखो, आपको जूम करके दिखाता हूँ कितना बड़ा हाथी। पूंछ विनसी को जाके ऊपर बिठा दो। विनसी जाओ तुम ऊपर जाके बैठ जाओ। चलो ठीक है, हेलो बैठेगी सीट पे नहीं। काले हिरण ताल छापर की तरह, कितने हिरण है यहाँ पे देखो। अच्छा आ गया। ये गेंडे पानी में पड़े हैं। अरे बाहर निकलो हम भी देखें। अरे बाहर निकलो भाई। गेंडों को हिंदी में गेंडा कहते हैं। दरिया घोड़ा। देखो कैसे पड़े हैं पानी के अंदर, एकदम बाहर ही नहीं निकल रहे। इनको बहुत गर्मी लगती है भाई, सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। अब की बार बाहर मुंह निकाला इन्होंने। तो ये था भाई सफारी रवेना, और ये था मतलब गाड़ी लेके आप घूम सकते हैं, इतना देख सकते हैं। और अब हम पैदल जाएंगे और पैदल देखेंगे कि भाई ये, क्योंकि दो टिकट में दो लिखा हुआ है दो जगह की, एक पैदल देख सकते हैं एक गाड़ी लेके जा सकते हैं। चलो गाड़ी लेके देख लिया, पैदल देखते हैं। तो गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम पैदल ही घूमेंगे। चलो ऐसे पैदल घूमें। बहुत ही खुश हो रही है। और ये है कोबरा।